ओके जी, तो अब हमारे पास एक और डायमेंशन आ चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, तो हमारे पास एक और डायमेंशन आ चुकी है, वो हमारे पास है मोमेंट ऑफ फोर्स की, यानी मोमेंट ऑफ कपल की। ये भी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है ज़्यादातर। देखते हैं क्या होता है। इससे बाहर नहीं निकलना, इससे बाहर नहीं निकलना, तो ये हो जाएगा एम ए मल्टीप्लाई बाय, ये डिस्टेंस हो जाएगा एल या आर या एस या डी, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर डी लिख देते हैं, आपकी मर्जी, आप ऐसे डी लिखते हैं, एस लिखते हैं, डिस्टेंस को शो कर रहा है। एम ए यानी कैपिटल एम, एक्सेलरेशन यानी एल टी माइनस टू, एल यानी ये रहा, ये हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस का टू, ठीक है। अब ये आपके पास हो चुका, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपको इसमें शेयर कर दूं, वो क्या शेयर करनी है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है, इसका मतलब वर्क की भी तो डायमेंशन यही है, इसका मतलब एनर्जी की भी तो डायमेंशन यही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की भी तो डायमेंशन यही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की भी तो डायमेंशन यही है, इसका मतलब एम सी स्क्वायर की भी तो डायमेंशन यही है, इसका मतलब हीट की भी डायमेंशन यही है। तो भाई हो गया, चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं।